राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की समधी एवं रोहिणी आचार्य के ससुर राव रणविजय सिंह की स्मृति में दाऊदनगर के हिचन बिगहा में गुरुवार को सादा समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव, उनकी बहन और राव रणविजय सिंह की पुत्र वधु रोहिणी आचार्य एवं इनके पति समरेश सिंह, अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह, उपेंद्र यादव जिला पार्षद अमरेंद्र रूफ, अरविंद यादव, राजद नेता सुमित कुमार यादव समेत राजद के कई नेताओं एवं विभिन्न दलों के नेताओं ने पहुंचकर दिवंगत राव रणविजय सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया है। दिवंगत राव रणविजय सिंह आयकर अधिकारी थे। बताया जाता है कि 14 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया था। तब से हर वर्ष 14 दिसंबर को उनकी याद में समारोह आयोजित किया जाता रहा है। जी हां, बता दें कि लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी की शादी हिचन बिगहा निवासी मुंबई में आयकर अधिकारी रहे राव रणविजय सिंह के पुत्र समरेश सिंह के साथ 23 मई 2002 को हुई थी। तब यहां बारात आई थी। व्यापक चर्चा इस विवाह समारोह की थी। रोहिणी का विवाह तब सबसे महंगी शादी के साथ सत्ताधीश की पुत्री की शादी होने के कारण इलाके में सुर्खियों में बना था। काराकट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर रोहिणी ने पहले तो ना कहा, लेकिन जब ये कहा गया कि यदि आप काराकट की सांसद रहेंगी तो इसे इलाके का विकास तेज गति से होगा, इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक मैं अपनी माँ और पिताजी की सुन रही हूँ, जनता कहेगी तो उनकी भी सुन सकती हूँ। फिलहाल वो जमीन पर कोई ऐसा काम नहीं कर रही हैं तो टिकट कैसे मिलेगा, जनता के बीच रहेंगी तब ना टिकट मिलेगा। इस बीच रोहिणी आचार्य भाई तेज प्रताप यादव के साथ नजर आई हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। सब मांग से ऊपर ये मांग है, सबसे मांग से ऊपर। अरे आप जो मांग है सब मानने का हमको नहीं, रोड हमने उनको कहा कि एक खेल स्टेडियम है सिपाही लोग तो है ही वहाँ लाइन फिर अपना घर वाला तो आपने सुना तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।